हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने सुरेखा मधुकर, जो कि एक ध्रुपद गायिका हूँ, और आज आपके सामने एक बहुत ट्रेडिशनल बंदिश डागर घराने की आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि जो संगीत के विद्यार्थी इसको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो मेरे साथ सीखने का भी प्रयास करें और गाने का भी प्रयास करें। इस बंदिश के अंदर में एक बहुत एक खासियत है, इसके अंदर में स्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग, इसके अंदर चारों चीज़ों का समावेश है, जो बंदिश की अपने आप में बहुत खासियत होती है, जिसकी सुंदरता इन चारों चीज़ों से आती है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी इस बंदिश को सुनें और मेरे साथ गाने का प्रयास करें। और एक बहुत सुंदर राग है, राग मालकोंस, जिसके अंतर्गत मैं इस बंदिश को प्रस्तुत करूँगी। राग मालकोंस बहुत प्रचलित राग है, फिर भी मैं आपको इसका आरोह बताती हूँ, जो इस प्रकार है। अब मैं आपको राग मालकोंस में स्थाई सुनाती हूँ, और आप भी इसको मेरे साथ गाने का प्रयास करें। दोस्तों, मैंने जैसे अभी आपको स्थाई बताई, स्थाई जो होता हैगा, जिसके अंदर में राग का आरोह जो होता है और अवरोह जो होता है, उसके स्वर लिए जाते हैंगे। और अंतरा जो होता है कि तार सप्तक से शुरू किया जाता है, उसमें तार सप्तक के सुर लिए जाते हैं। और अभोगी जो होता है, स्थाई अंतरा का समावेश होता हैगा। और संचारी, जैसे आप समझ रहे हैं, शब्द से आप समझ रहे हैं कि संचारी का क्या मतलब होता है, स्थाई अंतरा अभोग, तीनों जो होता है उसका एक समावेश होता है। और जिनका पद होता है उन उनका उस व्यक्ति का, उस लेखक का, उसके अंदर में वर्णन होता है। स्थाई अंतरा आभोग संचारी इस बंदिश में है, सभी में चार चार लाइनों का समावेश है। तो मैं अंतरा आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, पर आज मैं आपको इसका आभोग ही सुनाती हूँ। तीन ग्राम ना
दोस्तों, भी आपने आभोगी सुना और ये बंदिश चौताल में निबद्ध थी। और आपको मैं एक बार फिर से इसका स्थाई की पहली लाइन सुनाती हूँ और अपन उसको देखते हैं कि अपन को इसको कैसे गाना होता है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग इसको सीखें, समझें, और कोई भी आपको इस बंदिश में समझ नहीं आ रहा है या कोई आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हो या मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उस पर मुझे फ़ोन कर सकते हो और इस बंदिश के विषय में या और भी जो ध्रुपद के विषय में आप जानकारी चाहते हो वो आप मुझसे ले सकते हो। तो मैं एक बार आपको फिर से एक बार इस बंदिश को ताल में गा के दिखाती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के बंदिश समझ में तो आई होगी, और कोई बात नहीं, नहीं भी आई है तो आप इसको बार बार रियाज़ करिए। नहीं भी फिर भी रियाज़ करने के बाद कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझे टेक्स्ट करो, आप मुझे मेल करो और कॉल करो। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगी और उस समय मैं आपको अंतरा और संचारी सिखाऊँगी। तब तक आप लोग अच्छे से रियाज़ करिए और तब तक के लिए बाय बाय, और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।